नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल चुनावी मौसम के बीच खट्टर सरकार अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर सकती है। जी हां, 1 नवंबर यानी हरियाणा दिवस पर प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का ऐलान हो सकता है, जिसकी लंबे समय से मांग भी चल रही है। ऐसे में चुनाव नजदीक है और हरियाणा को इस अवसर पर यह बड़ी सौगात मिलने की प्रबल संभावनाएं है। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा के बड़े कस्बे को जिला घोषित करने की मांग पिछले लंबे समय से चली आ रही है। ऐसे में सरकार 1 नवंबर को यह ऐलान कर सकती है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चाहा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर करनाल में होने वाली रैली से भी इसकी घोषणा की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन कौन से कस्बे हैं जिन्हें जिला बनाया जा सकता है, जिस पर अब हरियाणा सरकार विचार कर रही है और इसके पीछे के क्या बड़े कारण हैं? तो सूत्रों के हवाले से हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार हरियाणा दिवस पर 5 नए जिले बनाने का ऐलान कर सकती है, जिसमें हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और मानेसर को नए जिले के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है और इनमें से 4 नाम तो ऐसे हैं जिनके जिला घोषित होने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसमें गोहाना, असंध, डबवाली को लगभग तय माना जा रहा है कि खट्टर सरकार इन्हें जिला घोषित कर सकती है। लेकिन हांसी और मानेसर पर पेच फंसा हुआ है। या तो इन दोनों को जिला घोषित किया जा सकता है या फिर इन दोनों में से एक को ही जिला घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है। चुनाव से पहले हरियाणा दिवस पर हरियाणा के लिए यह बड़ी सौगात होगी, क्योंकि गोहाना सोनीपत जिले के अंतर्गत आने वाला कस्बा है, लेकिन यहां पर लंबा एरिया होने के चलते काम के सिलसिले में गोहाना के लोगों को सोनीपत जाना पड़ता है। इसके अलावा हांसी और डबवाली में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, जिस वजह से इन्हें लंबे समय से जिला घोषित करने की मांग उठ रही है। ऐसे में खट्टर सरकार इस पर अब बड़ा फैसला 1 नवंबर को ले सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आधिकारिक तौर पर खट्टर सरकार कौन कौन से नाम जिला बनाने के लिए शामिल कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो मौजूदा सरकार का यह सबसे बड़ा कदम माना जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन से नामों पर सरकार मुहर लगा सकती है? आपको क्या लगता है कि हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और मानेसर समेत इन 5 नामों में से कौन से प्रबल नाम हैं जिन्हें सरकार को चुनना चाहिए और उन्हें जिला घोषित करना चाहिए? हमें अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।